2019 में मेरी जिम्मेदारी समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज की उपप्रमुख की थी। उस दौरान 2019 के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों के दलील एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। बाद में उन्होंने कन्विक्शन स्टे के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में जब वो आए थे वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई, बाद में वहां पर भी उनका कन्विक्शन स्टे निकाला गया, खारिज कर दिया गया। तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है, बाद में आज का जो फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं और जो भी कानूनी मुद्दे उसमें उठाए गए उसमें हमारे जो एडवोकेट है टोलिया साहब वो आपको बताएं। एक सवाल ये है कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी का इतिहास रहा है, फिर चाहे वो वीर सावरकर का मामला हो या और मामले जहां पर उन्होंने मानहानि की है, एक दो नहीं कई मुकदमे हैं, तो वो तो उनका बाबत है जी, लेकिन कोर्ट ने माना है कि उनका इतिहास रहा इस तरीके के बयान देने का, तो उनको अभी सोचना चाहिए कैसे इतिहास न रचे। हिंदुस्तान में सद्भावना से पेश आए, उनको सोचना है। मैंने अभी बताया कि आज का जो फैसला आया है हमारा जो एडवोकेट टोलिया साहब है कानूनी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे।